हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड, मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो आज मैं ब्लॉग जो आज शुरू की हूँ ना, वो मैं दोपहर से ब्लॉग शुरू की हूँ, क्योंकि मुझे आपको अपना आफ्टरनून रूटीन शेयर करना था। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि सुबह सुबह ना काम वाम करने के बाद भी दोपहर का जो काम होता है ना, वो बच जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आप लोग के साथ अपनी आफ्टरनून रूटीन शेयर करूँ। तो आफ्टरनून रूटीन में ये रहता है, कभी कल जो कपड़े मैं मॉर्निंग के टाइम पे नहीं लगाती हूँ, तो फिर मैं दोपहर के टाइम पे जितने भी कपड़े होते हैं ना, मशीन में लगाती हूँ। और आज मंगलवार है, तो आज हमारे हस्बैंड का फास्टिंग है, तो लंच भी मैं आफ्टरनून के टाइम पे ही बनाती हूँ। वरना ऐसे तो लंच वंच मेरा सुबह सुबह बन जाता है, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनको फिर लंच पैक करके देना होता है। और निशांक का भी अभी स्कूल जो है वो छुट्टी चल रहा है, क्योंकि निशांक का फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हुआ है इस वजह से। सो अभी आफ्टरनून का टाइम था, एंड अभी आज ना मेरे सर में भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। गर्मी इतना ज़्यादा है ना कि इंसान परेशान हो जा रहा है गर्मी में। फिर आज पता नहीं क्यों हस्बैंड के भी सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो उनका भी फ़ोन आया था कि वो आज थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, रेस्ट करके फिर जाएंगे डिपार्टमेंट, क्योंकि उनके भी सर में बहुत ज़्यादा वाला दर्द हो रहा था। सो एनीवे, चलिए ये तो मेरा रहा बात आप लोग के साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे अभी खाना बनाना है, मतलब अपने लिए और ईशान के लिए। तो जो भी बर्तन थे पहले मैं उन सबको समेट लेती हूँ, दूध को फ्रिज में रख लेती हूँ, किचन को थोड़ा समेट लेती हूँ, क्योंकि मैंने अभी ब्रेड में घी लगा के सेका था लगभग 11:30-12 बजे करीब में। मैं आज नाश्ता भी बहुत लेट की हूँ, 12 बजे से भी सब ज़्यादा ही हो गया था आई थिंक। और फिर उसके बाद मैगी भी बनाई थी, तो बस ऐसे ही नाश्ता हमारा चला था। और अभी मैं बनाने वाली हूँ तहरी, जिसमें वेजिटेबल, काफ़ी सारे वेजिटेबल ऐड करके बनाने वाली हूँ। सो यहाँ पर ना आम था, तो जैसे ये आम खरीदे नहीं है, क्योंकि हालांकि ख़रीदा हुआ ना वो मालदा आम ही मेरे को अच्छा लगता है, तो अभी मैंने फ्रिज में डाल के रखा है मालदा आम। तो फ्रिज में जगह है नहीं आम रखने का, तो इसीलिए ना मैं ये आम ना बास्केट में रख दी हूँ। ये आम ना हस्बैंड को कोई दिया था, पता नहीं कौन दिया था, मुझे नहीं पता, तो हस्बैंड को दिया था। तो ये पेड़ का, मतलब ऐसे नहीं पेड़ वाला जो आम होता है, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आम होता है ये वाला, बट अभी मैंने खाया नहीं है, तो बस मैंने नीचे रख दिया। मैंने कहा चलो बाद में देख लूँगी। तो यहाँ पर मैं फ़ैन ओपन कर ले रही हूँ, क्योंकि दोपहर के टाइम पे तो किचन में आप काम कर ही नहीं सकते, इतनी गर्मी से ना हालत बेकार हो जाती है ना, बहुत बुरा हाल होता है। तो पहले तो मैं फ़ैन चला ली हूँ कि थोड़ा सा काम मैं कर पाऊँ, किचन का जो भी काम है ना कर पाऊँ। तो अभी पहले मैं यहाँ पे जितने भी वेजिटेबल है सबको कट कर लूँगी और इस तरीके से, और उससे पहले तो किचन का जितना भी स्लैब पर सामान था, जो धोने वाला बर्तन था, उस सारे को मैं रख दी हूँ, क्योंकि मैं गंदे किचन पर काम बिल्कुल नहीं कर सकती। मेरी ना ये अच्छी हैबिट बोलिए बुरी हैबिट बोलिए मुझे नहीं पता, बट मैं अगर किचन में काम कर रही हूँ तो मुझे मेरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए होता है। तो इसीलिए मैं अपने किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखती हूँ कि भाई नहीं, मेरे को मेरा किचन जो है ऑल टाइम क्लीन चाहिए होता है। सो मैं ये सब जब कर रही थी, तो ऋशांक अपना पढ़ाई कर रहा था, मैंने उसको जो टेबल का बुक होता है वो दे दिया था खोल के कि तुम आराम से अपना लिखो, तो वो अपना पढ़ाई कर रहा है। और ईशांग भी ना, मतलब जब इसका स्कूल नहीं होता है तो वो लेट से ही उठता है, तो फिर मैं भी मना नहीं करती, क्योंकि जब स्कूल रहता तो वो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग बिना झिझक किए मैं उसको उठाती हूँ और वो उठ जाता है एकदम से। तो इसीलिए जब स्कूल नहीं रहता तो वो आराम से सोता है, मैं फिर जब भी उसका मन होता है तभी वो उठता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भाई चलो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो बच्चे को थोड़ा सा रिलीफ तो होना ही चाहिए। इसके बाद मैं आ गई थी फ्रिज से वेजिटेबल्स निकालने के लिए। हालाँकि तहरी बहुत बार मैं आलू सोयाबीन डाल के ही बना देती हूँ, बहुत बार सिर्फ आलू डाल के भी तहरी बना देती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास काफ़ी सारे वेजेस थे, तो मैंने कहा चलो वेजिटेबल डाल के बनाती हूँ, गाजर शिमला मिर्च आलू प्याज लहसुन टमाटर ये सब डाल के अच्छे से बनाऊँगी, और अच्छा भी लगता है तहरी खाने में मेरे को। और हस्बैंड का फास्टिंग रहता है ना, तो मैं कुछ ऐसा चीज़ बनाती हूँ जो झटपट में बन जाए और टेस्टी भी बन जाए, तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर भी किया है ये रेसिपी, हर बार तो देखिए एक ही रेसिपी बार बार शेयर करो अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों के साथ फिर से एक बार शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से तहरी बनाती हूँ। अगर आपके पास वेजिटेबल नहीं भी हो ना, आप आलू डाल के भी बना सकते हो, आलू डाल के भी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं यहाँ पे एक ही आलू ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे वेजिटेबल हो गए हैं, और वेजिटेबल नहीं रहता है ना तो मैं सिर्फ 1-2-3 आलू ले लेती हूँ, क्योंकि आलू डाल के ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है तहरी का। तो बस यहाँ पर मैं कच्चे आलू है, कच्चे आलू को मैंने छील लिया है और इसको एकदम से मैंने काट लिया है, और यहाँ पे प्याज भी मैं छील ली हूँ, प्याज लहसुन को भी मैं कट लगा लूँगी, साथ में मैं आधा नींबू भी डाल दी हूँ, नींबू ले ली हूँ, क्योंकि
जब चावल में सीटी लगाएंगे उससे पहले जो है हम नींबू उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लहसुन को भी मैंने छील लिया था, काफ़ी सारे लहसुन भी डाले थे, लहसुन डालिए तो बहुत अच्छा स्वाद होगा। आप अपने अकॉर्डिंग अदरक भी डाल सकते हैं, काफ़ी गर्मी है इसलिए मैं अदरक यूज़ नहीं की थी। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी घी ढेर सारा। घी डालने के बाद थोड़ा सा भी आप सरसों का तेल ज़रूर डालें, जिससे घी और सरसों तेल का जब मिक्स होता है ना तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, एक फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सो इसके बाद मैंने ऐड कर दिया है इसमें जीरा, और जैसे ही जीरा तरक जाएगा तो हमारे जो प्याज लहसुन है तो प्याज लहसुन डाल हरी मिर्च जो है वो डाल देंगे। और उसके बाद जितने भी वेजिटेबल है वो सारे वेजिटेबल को इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा देर के लिए इसको सॉटे करेंगे, और जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है, तो जैसे फ्राई हो जाएगा फिर जो हमारा चावल है वो इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहो तो डेली सिंपल वे में जो आप चावल खाते हो वो भी डाल सकते हो, पुलाव वाला भी चावल डाल सकते हो, लेकिन मैं ये सब बनाने के लिए ना अलग से पुलाव वाला ही चावल रखती हूँ, क्योंकि मुझे उसी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपके पास पुलाव वाला चावल अवेलेबल नहीं हो तो भी आप ऐसे नॉर्मल चावल जो होता है जो आप डेली यूज़ में खाते हो आप वो भी डाल के बना सकते हो, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। और ये सबसे मेन बात है ना, झटपट में बन जाता है, मेरे को इसलिए ज़्यादा साथ पसंद है कि झटपट में बन जाता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो सारे वेजेस डाल दी थी मैंने और ढक के थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर से मैंने एक बार देखा कि चलो हमारे वेजेस अच्छे से फ्राई हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो मैंने देखा तो सब अच्छे से फ्राई हो गए थे। फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड करके उसके बाद इसमें हल्दी और मिक्स मसाला थोड़ा थोड़ा, मतलब मसाला ज़्यादा नहीं, क्योंकि चावल उवल में ना ज़्यादा मसाला अच्छा नहीं लगता, तो हल्का सा मसाला मैंने मिक्स मसाला डाला। और उसके बाद हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सिर्फ कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो है ना वो मैं ऐड करती हूँ। तो बस ऐसे कर ली हूँ, और उसके बाद नमक ऐड कर दिया है और अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें चावल को ऐड कर देंगे, और पानी अपने हिसाब से आप डालें, जैसे एक कटोरी अगर चावल डाल रहे हैं तो दो कटोरी पानी ऐड कर दीजिए। उसके बाद उसमें नींबू डाल दीजिए, उसके बाद उसमें दो तीन सीटी लगा दीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाता है और झटपट में रेडी हो जाता है। आप खुद ही कलर भी देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है इन सब का, तो अच्छे से फ्राई भी हो गया है आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भी मैंने फ्राई नहीं किया है, क्योंकि ऐसे क्या है ना, ऐसे कर स्वाद बहुत अच्छा आता है। और चावल को मैं पहले से ही भिगो के रख दी थी, तो बस यहाँ पे मैंने चावल ऐड कर दिया है। और इसके साथ मैंने एक कटोरी चावल ली थी, छोटी सी कटोरी एक मेरे पास वाइट वाली, तो उसी से एक कटोरी चावल लिया था, तो मैंने दो कटोरी पानी डाल दूँगी, ऐसे करती हूँ। तो जो खाना शॉर्टकट बन जाता है ना गाइस, मैं वही खाना बना के ना खा लेती हूँ अपने तरीका से, कि मेरे को अच्छा भी लगता है, और ख़ास करके रिशांग को भी ना ये पसंद है, तो फिर मुझे टेंशन नहीं होता कि दो तरीके की खाना बनाना पड़ेगा। तो बस अब अभी मैंने ये चढ़ा दिया है, वो अपना बनते रहेगा। फिर मैं आ गई इधर काम करने के लिए, कि चलो बेड वेड थोड़ा सा लगा लेते हैं। होता क्या है कि ये सब काम तो मैं मॉर्निंग के टाइम पे कर लेती हूँ, लेकिन आज मेरा कर रहा था सर दर्द, और मन ही नहीं कर रहा था कि फिर मैं कुछ भी करूँ, तो इसलिए मैंने पहले सर में विक्स लगा के फिर थोड़ा देर मैं रेस्ट की हूँ। तो मुझे जब अच्छा फील हुआ है उसके बाद ही मैं अपना काम जो है करना शुरू की हूँ, क्योंकि देखिए मैं वैसा नहीं है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम होता रहेगा और मैं काम करती रहूँगी, नहीं। मैं पहले अगर मेरी बॉडी कैपेसिटी नहीं हो रहा है, मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है कि हाँ मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी, तो मैं नहीं करती हूँ। मैं पहले रेस्ट करती हूँ, ठीक होती हूँ, उसके बाद मैं काम करती हूँ। जैसे आज ये सारे काम मैं मॉर्निंग के टाइम पे ही कर लेती थी, लेकिन मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी, दैट्स रीज़न मैं ब्लॉगिंग भी स्टार्ट नहीं की थी। लेकिन जब मुझे लगा कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ, बेटर फील कर रही हूँ, तो फिर मैं जाके ब्लॉगिंग जो अपना स्टार्ट कर दी हूँ। क्योंकि आपका घर ना फैला रहेगा तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको आदत हो चुका है एक सिस्टमेटिक तरीका से रहने का, तो जब घर फैला हुआ रहता है ना तो लगेगा कि सर पे ना चढ़ा हुआ है इस तरीका से। तो इसीलिए जब तक मैं अपना हॉल, अपना बेडरूम, अपना किचन सब कुछ सही से ना रख लूँ ना, तब तक मेरे को ना चैन नहीं मिलता है। फिर मेरे को लगेगा कि यार ये तो अभी मैंने ठीक ही नहीं किया, और देख देख के भी ना मतलब गुस्सा खुद पे ही आएगा कि मतलब क्या कर रही हूँ मैं, बैठ के फ़ोन चला रही हूँ और काम नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा होता है। लेकिन वही अगर मैं अपने पूरे घर को अच्छे से सजा देती हूँ तो फिर मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। और गाइस आपको इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा बड़ा घर है तो मान लीजिए आधा एक घंटा लग जाएगा, और जिनका छोटा घर है उनका 20 से 25 मिनट लगेगा, 15 से 20 मिनट भी लग सकता है अपने अकॉर्डिंग। तो बस इसके बाद मैं आ गई थी पानी बॉटल्स में भरने के लिए। भाई साहब इतनी गर्मी है ना कि पानी तो नॉर्मल पानी
आरओ का निकाल के पिया ही नहीं जाता है। जब तक कि फ्रिज का पानी ना पियो ना तो मन ही नहीं भरता, इतनी ज़्यादा गर्मी है तो पानी के भी खर्चे ना उतने ही ज़्यादा है। सो अभी वैसे भी गर्मी के टाइम पे आप जितना पानी पियो आपकी बॉडी के लिए उतना ज़्यादा अच्छा है, पर वही है कि गर्म पानी जो है ना बिल्कुल पिया नहीं जाता और ठंडा पानी कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है तो उससे भी पिया नहीं जाता है, ऐसा हो जाता है। और इतना काम करने के बाद ना पूरा इतना पसीना पसीना मेरा हो गया ना, मैं आपसे क्या बताऊँ, पूरा अजीब सा मेरा मन हो गया था। अभी ये कैटल थोड़ा सा गंदा लग रहा था, मैं सोची चलो बाद में आ गई थी बाबू के ये बुक्स कॉपी पूरा फैला के रख देता है। मैं पता है डेली ही ठीक करती हूँ, डेली इतना गंदे तरीके से पूरा बुक्स कॉपी फैला देता है, मैं आपसे क्या ही बताऊँ। उसके बाद ये जितने भी कपड़े थे, थोड़े बहुत से कपड़े थे, तो इन सबको फोल्ड करके अलमीरा में रख देती हूँ और फिर बेडरूम का भी बेडशीट जो है उसको भी चेंज कर देती हूँ। पहले तो मैं ये बेडशीट जो है उसको हटा देती हूँ, उसके बाद बेडशीट जो है वो दोबारा से मैं बेडशीट लगाऊंगी। और ये बेडशीट काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था तो मैंने कहा चलो इसको हटा देती हूँ और दूसरा बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और उसके बाद आप पता है कितना इतना तेज़ धूप आ जाता है ना, ये जो विंडो का जो वो है ना कर्टेन जो विंडो का है ना पर्दा, वो ना उस साइड से ना काफ़ी ज़्यादा धूप का ना रोशनी आता है काफ़ी ज़्यादा, जिस वजह से बेडरूम पूरा गर्म हो जाता है और एसी का तो पता ही नहीं चलता कि एसी चल रहा है। इसीलिए मैंने पता है कुछ दिन पहले ना मैं ये कर्टन के पीछे बेडशीट लगा के रखी हुई थी, तो अभी मैं फिर सेम चीज़ करूँगी, कर्टन के पीछे ना बेडशीट लगा दूँगी क्योंकि धूप का जो रिफ्लेक्शन होता है थोड़ा सा कम आएगा रूम में ना, तो रूम ठंडा रहेगा। नहीं तो रूम एसी चलने के बावजूद भी रूम ना इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है ना कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ, जितना तेज़ धूप पड़ता है ना उतना ज़्यादा ना पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। तो पहले तो मैं बेड ठीक कर लेती हूँ, फिर इसके ऊपर बाबू को रख दूँगी, क्योंकि जब तक मैं बेड शीट लगा रही हूँ तब तक मेरा बच्चा इतना परेशान हो गया था ना कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ।
तरीके से ये बेडशीट पिंक कलर की बेडशीट है, तो मैंने इसी को सोचा कि चलो इसको ना पीछे की तरफ से लगा दूंगी ना, तो सही भी रहेगा और धूप का जो वो लाइट होता है ना वो नहीं आएगा और रूम ना ज़्यादा गर्म नहीं होगा, ठंडा ठंडा सा रूम रहेगा। तो इसी वजह से मैंने लगा दिया था ना, और बहुत अच्छा रूम रहा था। पहले कुछ दिन पहले भी मैं लगाई थी, 15-20 दिन पहले। फिर ईशांक ना खोल देता है, खेलते खेलते ना कुछ भी ये कर देता है, बच्चे ना बच्चे का कुछ ठीक नहीं रहता कि कब वो क्या कर देंगे, तो वही हो गया। तो अभी मैं पहले तो इनको ठीक कर लेती हूँ और उसके बाद का जो काम है वो करेंगे। छत पे जाएंगे कपड़े डालने के लिए सारे कपड़े, क्योंकि कपड़े मशीन में लगा दिए हैं, तो ऑलमोस्ट जब तक मैं काम सारे निपटा रही थी मेरे कपड़े भी धुल गए होंगे। तो अभी चलेंगे छत पे और छत पे जाके सारे कपड़े को ना डाल देंगे सूखने के लिए। और देखिए मैंने यहाँ पे कर्टन के पीछे लगा दिया, आप खुद ही देख सकते हैं। अभी क्या ना रूम थोड़ा सा ठंडा रहेगा, धूप का रोशनी साइड से आता है ना तो रूम ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो अभी थोड़ा सा ना अच्छा लगेगा। तो चलिए ये सब करने के बाद मैं सीधे जा गई छत पे, और छत पे जाने के बाद जितने भी कपड़े मतलब धुले थे सारे कपड़े को यहाँ पे मैंने डाल दिया सूखने के लिए। और इसके बाद मैं लंच करूँगी, जो मैंने तहरी बनाया है वेजिटेबल तहरी, तो फिर उसको आराम से मैं और ईशांक खाएंगे। मैं सोचा कि पहले कपड़े डाले थे सूखने के लिए, उसके बाद बाकी का काम करूँ। तो जैसे ही मैं खाना निकाल के खा ही रही थी कि हस्बैंड पहुँच गए थे, तो बस ऐसे ही का आज का काम, आज का रूटीन बस ऐसे ही गया है। तो आई होप कि मेरी आफ्टरनून रूटीन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग आफ्टरनून में क्या करते हो मुझे तो पता नहीं है, बट मैंने आपको आफ्टरनून रूटीन दिखाया आपको कि कभी कल ऐसा होता है कि मॉर्निंग के टाइम पे अगर मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ तो उसको मैं आफ्टरनून के टाइम पर ही कर पाती हूँ। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं, आप लोग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्यार दीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, लव यू, टेक केयर।